क्या आपको लगता नहीं कि महर्षि पतंजलि अपने योग सूत्र में 1.3 में जो दृष्टा और दृश्य वाली बात कह रहे हैं कि जब जब दृष्टा जब दृष्टा अपने एक्चुअल स्वभाव में आ जाता है, अपने एक्चुअल स्वभाव में, यानी कि दृष्टा दृश्य में मिल जाता है, यानी दृष्टा और दृश्य दोनों एक हो जाते हैं, तो सच्ची सेल्फ रियलाइजेशन घटती है। शंकराचार्य भी यही कह रहे हैं कि जब कोई सीयर और सीन नहीं बचता, ओनली ब्राह्मण बचता है, देन देर इज अ सेल्फ रियलाइजेशन। और कमाल की बात है कि कृष्णमूर्ति भी यही कह रहे हैं, ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व, जब सीयर और सीन एक हो जाता है। इस पर ही जोर दिया कृष्णमूर्ति ने। इसलिए कई सारे लोग कहते हैं कि कृष्णमूर्ति की जो टीचिंग्स हैं वो शंकराचार्य से मिलती हैं और कहीं हद तक मिलती है पतंजलि महर्षि पतंजलि से। तो हम इस बारे में देख रहे हैं कि देखो, अध्यात्म का, स्पिरिचुअलिटी का जो सीधा साधा मकसद है ना, वो सीयर में छुपा है, आपके देखने में छुपा है कि आप चीजें को कैसे देख रहे हैं, यानी कि आर्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है आपकी, आप किस तरह से ऑब्जर्व कर रहे हैं चीजों को। भाई आप एक ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि जो भी आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो भी आप जान रहे हैं, दैट इज कंडीशनड, यानी कि जो भी मैं रियलिटी को देख रहा हूँ, वो रियलिटी को मैं देख रहा हूँ, बट वो एक इंफॉर्मेशन के थ्रू मेरे ब्रेन सेल से होकर आ रहा है, शब्दों से निकलकर। उसमें बहुत सारी चीजें मिक्स है, मेरे मेरे सेंसेस हैं, वो फिल्टर होकर आ रहा है, उसमें वर्ड्स हैं, थ्योरी है, कम्युनिकेशन है, इनर चैटरिंग है, उस सीन में पता नहीं क्या क्या मिल जाता है। तो इसीलिए एक्चुअल में जो हम देख रहे हैं, वो हमारा जो सीयर है, जो देख रहा है, जो ऑब्जर्वर है, जो चीजों को जान रहा है, वो पहले से ही इन चीजों को जानता है, वो पहले से ही उसको इन चीजों का भेद पता है, बट इंफॉर्मेशन ऐड होती रहती है, ऐड होती रहती है, और हम अपने आप को जो सीन है उससे अलग करते रहते हैं और सोचते हैं सीयर और सीन अलग है, दृष्टा और दृश्य अलग है। बट जो भी मैं समझ रहा हूं, जो भी मैं जान रहा हूं, जो भी मैंने सीखा है, मैं बस उसी में घूम रहा हूं, एक्चुअल रियलिटी को मैं नहीं देख पा रहा। और आपको सभी आध्यात्मिक लोग कह रहे हैं कि रियलिटी जैसी है उसको एज इट इज देखो, एज इट इज जैसी है, यानी कि पतंजलि यही कह रहे हैं कि जब सीयर अपने एक्चुअल नेचर में चला जाता है, यानी कि सीयर जो है, जो ऑब्जर्वर है, वो कंप्लीटली सीज हो गया, ऑब्जर्वर खत्म हो गया। ऑब्जर्वर मतलब जो सोच रहा है, जानना है, इंक्वायरी कर रहा है, समझ रहा है, क्वेश्चन रेज कर रहा है, चीजों को प्रोड्यूस कर रहा है आर्टिफिशियली, इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन हो गया आपका, कि आप भले ही हाँ में हाँ मिला रहे हैं, चीजों को जान रहे हैं, आपको लग रहा है, बट एट द एंड आप वही हो जो आप जान रहे हो। देर इज नो डिफरेंस बिटवीन द सीयर एंड द सीन, ऑब्जर्वर एंड द ऑब्जर्व, दृष्टा और दृश्य में। और चलिए, महर्षि पतंजलि ने आपको योग सूत्र के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें बता दी डायरेक्टली, क्योंकि तब के लोग इंटेलिजेंट थे, समझ लेते थे। शंकराचार्य भी आपको बताते बताते थक गए, लेकिन कृष्णमूर्ति आपको बताते बताते नहीं थके, वो जवानी से बुढ़ापे तक उन्होंने यही काम किया। और वो समझाते समझाते, मतलब सबसे प्योर स्पिरिचुअलिटी यहां पर कृष्णमूर्ति आपको बता रहे हैं कि जिन्होंने ऑब्जर्वर इज दी ऑब्जर्व पर ना जाने कितने लेक्चर्स हैं, कितनी डिस्कशंस हैं हर जगह कृष्णमूर्ति की, आप सुन सकते हो, सानन में सुन सकते हो, मद्रास में सुन सकते हो, ब्रैकवुड पार्क में सुन सकते हो, बहुत जगह पर उन्होंने दे रखे हैं, कृष्णमूर्ति ने इस पर बात की हुई है, सीयर और सीन जब एक हो जाते हैं तब एक्चुअल सेल्फ रिलेशन घटती है। और क्योंकि जब आप एक हो जाते हो, वन हो जाते हो, मतलब जब आप सीयर और सीन से बियॉन्ड हो जाते हो, यानी कि आप थॉट से बियॉन्ड हो गए, और जब आप रियलिटी को एज इट इज देखने की कोशिश करते हो ना,
देन देयर इज अ लिबरेशन। तो होती है, आती है पूर्ण आजादी, कंप्लीट लिबरेशन, क्योंकि अब आप अपने ही चक्रव्यूह से मुक्त हो गए हो। किस चक्रव्यूह से? दैट इज माइंड, दैट इज योर थॉट। आपका माइंड ही है जो आपको कह रहा है कि अभी आप ठीक से नहीं जाने, समझे नहीं, जज करो और इंक्वायर करो और जानो। और आप इस माया में, इस मैट्रिक्स में फंस से चले गए। और फिर कोई आता है, पतंजलि शंकराचार्य या फिर कृष्णमूर्ति सा, जो आपको इन चीजों के बारे में अवगत कराता है, आपको इस मैट्रिक्स से बाहर निकालता है। ये कोड है एक्चुअल में मैट्रिक्स को ब्रेक करने का। सीयर इज द सीन। जब तक आप इस चीज को नहीं समझोगे, आप लगे रहोगे, सर्च करते रहोगे, जानते रहोगे, भटकते रहोगे, वही नॉलेज बार बार रिपीट होती रहेगी। बट सीयर और सीन को देखने का सबसे बेस्ट तरीका है मेडिटेशन, ध्यान। और ये जो ध्यान है, ये जो मेडिटेशन है, मेडिटेशन में आपके थॉट, आपका जो सीयर है वो सच में अवॉइड हो जाता है, सच में एंडिंग हो जाती है उसकी, सीयर की, ऑब्जर्वर की, जो संसार को बना रहा है, माइंड की, माइंड सीज हो जाता है, सीयर खत्म हो जाता है। तो रहता क्या है? कृष्णमूर्ति के अकॉर्डिंग इमेजरेबल, क्योंकि माइंड शांत हो गया था। पतंजलि बोल रहे हैं कि आपको सेल्फ रियलाइजेशन होगी, आपको आपको परमात्मा का एक्चुअल मीनिंग पता लगा। और शंकराचार्य कह रहे हैं कि आप ब्रह्म हो गए, यानी कि आप अब हाईएस्ट एब्सोल्यूट रियलिटी को जान चुके हैं। इन कुछ बेसिक चीजों को मैं आपको गाइड कर रहा हूं अपने कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी प्रोग्राम में, जिसमें मैंने इस स्पिरिचुअलिटी प्रोग्राम को रिवाइज किया है। और इसको इसमें कुछ मैंने 24 टॉपिक्स डाले हुए हैं, और ये टॉपिक्स बहुत तरह की चीजों के बारे में, मेडिटेशन, ट्रूथ, प्रेजेंट मोमेंट, रिलेशनशिप, न जाने क्या क्या। तो इन टॉपिक्स के बारे में, इस प्रोग्राम के बारे में आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये टोटल 24 टॉपिक्स हैं, और एक अच्छी एजुकेशन अगर आप लेना चाहते हैं जो आपको कहीं नहीं मिली, तो आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, अध्यात्म के इस प्रोग्राम को, इस क्रैश कोर्स को। और इसके बारे में आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। मैं अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स व्हाट्सएप के कमेंट सेक्शन में शेयर कर रहा हूँ, और डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर रहा हूँ। वहाँ से आप इस प्रोग्राम के बारे में जरूर जानें, और इसके बारे में इस क्रैश कोर्स को जरूर ज्वाइन करें, ताकि आप सही एजुकेशन ले पाएं कि एक्चुअल मेडिटेशन क्या है, ट्रूथ क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में। थैंक यू वेरी मच।